मुश्किल ढूंढा इन्होंने। हम एथलेटिक्स की बात करते हैं ना मिल्खा सिंह जी की, तो मिल्खा जी का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटा था हिंदुस्तान में। 40 साल बाद इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था परमजीत सिंह, और परमजीत जी उस वक्त आप एथलीट थे जब भारत ओलंपिक्स में सिर्फ खेलने जाता था, आज आप गोल्ड जीत के आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, इस पल की बहुत ज्यादा खुशी है, और मैं बधाई देना चाहूंगा पूरे देशवासियों को कि हमारा एथलीट नीरज चोपड़ा जो गोल्ड लेके आया, और बहुत बड़ी खुशी है। एक खुशी का इतना बड़ा लम्हा है हमारे लिए कि हम सोच भी नहीं सकते। आपने सोचा था कि ये ओलंपिक्स भारत के लिए इतना अच्छा? बिल्कुल, ये तो कभी ना कभी आना ही था, और इस सोच को लेकर तो हम चल ही रहे थे, और जो इसमें बहुत टाइम लग गया, लेकिन फिर भी जो एक मेडल आया बहुत बड़ा मेडल है, और जो हमारी हॉकी टीम सभी जितने भी रेसलर हैं सभी का जो मेडल आया यहाँ पे, मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इसी मेडलों से हम लेके और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, और आगे भी ओलंपिक में हमारे मेडल आने शुरू हो गए आज, तो आगे भी हम बहुत सारे मेडल लेंगे। तो मतलब देखिए मौसमी, परमजीत जिन्होंने मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा था, मतलब आप अंदाजा लगाइए 40 साल रिकॉर्ड नहीं टूटा था, आज इनकी जनरेशन भी हैरान होती है कि इंडिया को गोल्ड मेडल मिलता है वो भी एथलेटिक्स। बहुत बड़ी बात है, और ये तब हो रहा है जब आप देखिए कोरोना काल में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा एथलीट को, प्रैक्टिस से लेके हर चीज, और तब ऐसा उम्दा परफॉर्मेंस। आपकी हॉकी विमेंस टीम को कोविड हो गया था सबको, बताइए ओलंपिक से ठीक पर्सनल जितनी भी चैलेंजेस है उनको ओवरकम करके इस तरह का परफॉर्मेंस लेना, शायद यही वजह है कि आज आप इतनी भीड़ देख रहे हैं। ये सपना हर खिलाड़ी का होता है ना कि इस दिन के लिए ही जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसी दिन के लिए बंदे सब आते हैं, और ये सपना हर खिलाड़ी का होता है। तो देखिए वहां पर खिलाड़ी एक जो ओलंपिक से जीत कर आए हैं, और विक्रांत उनसे बात कर रहे हैं, और विक्रांत एक ऐसे खिलाड़ी से जो कि फॉर्मर रहे हैं वहां पर मौजूद हैं, सभी स्वागत करने के लिए। नीरज चोपड़ा की तस्वीरें देखिए, ये जोश ये उत्साह, मतलब इसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। जिसने मुकाबला अपने नाम किया उसका स्वागत आज इस अंदाज में आप देख रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर। बहुत बड़ा दिन है पूरे देश के लिए, अंदाजा लगाइए। बहुत ज्यादा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14-15 अगस्त को हमारे को दिल्ली में बुलाया है, तो बहुत ज्यादा मान सम्मान के लिए, और खिलाड़ियों को बहुत मान सम्मान दिया है, बहुत हौसला बढ़ाया है, और आगे भी इसी तरह से बढ़ाएंगे, तो हमारा इसी तरह से होता रहा, तो देश में आगे आने वाले समय में पेरिस ओलंपिक में और अगले एशियाड, मतलब भारत का बहुत पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत तगड़ा वो हो जाएगा। प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद कहते हुए, और इसी के साथ खिलाड़ियों का एक एक करके आवाना शुरू हो गया है। वो अपने अपनी जो भी उनकी बात है, जो भावनाएं हैं, जिस शिद्दत के साथ उन्होंने खेला है, मुकाबले जीते हैं। अलका तोमर हमारे साथ, पूर्व इंडियन रेसलर, इस वक्त जुड़ रही हैं आज तक पर। जगबीर सिंह साहब, पूर्व भारतीय हॉकी के कप्तान, ओलंपियन, अर्जुन अवार्डी हमारे साथ जीतेंगे। राजबीर कौर, पूर्व कप्तान इंडियन वुमेन्स हॉकी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। और ये देखिए बजरंग पुनिया आपको दिख रहे हैं इस तस्वीर में, ये तस्वीरें एक के बाद एक जो तमाम प्लेयर्स की आ रही हैं। भव्य स्वागत एयरपोर्ट, तो मुझे लगता है एरोप्लेन के अंदर की तस्वीर है, ये एरोप्लेन के अंदर की तस्वीर है, और एक एक करके तमाम प्लेयर्स की तस्वीरें आ रही है। नीरज चोपड़ा आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, गोल्डन बॉय का सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है, इंतजार तमाम प्लेयर्स का हो रहा है, बड़ी शिद्दत से हो रहा है। अलका तोमर जी, ये लम्हा पूरे हिंदुस्तान के लिए खुशी का है, ये वो वक्त है जब हम सब आज इस जश्न में शामिल हो रहे हैं कि ओलंपिक्स में हमने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस की है, और यहां से ग्राफ ऊपर ही जाएगा। लम्हा मैं महसूस कर सकती हूँ खुद भी, और ये जो पल है ये संजो के रखे जाएंगे, ये यादगार पल रहेंगे, ये कभी भूले नहीं जाएंगे। ये पल जो आज ये यहाँ पे आपको तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ये हर एक प्लेयर याद रखेगा, ये पूरी देश की जनता याद रखेगी कि ये जो पल है ये हर एक खिलाड़ी की जिंदगी में आना चाहिए। जिस तरह से ये स्वागत होता है, ये सम्मान जो होता है, ये हर एक खिलाड़ी चाहता है कि ये सम्मान हमारा हो।